सब्सक्राइब कीजिए चैनल कुछ नया कुछ हटके को, साथ ही दबाइए बेल आइकन ताकि सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके आपके पास। हेलो गाइज, मैं हूं अनुज चौधरी और आप है चैनल कुछ नया कुछ हटके पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बैंक्स की जॉब को लेकर कि कैसे आप बैंक में अपना करियर बना सकते हैं, फिर चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट का बैंक हो। अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए तैयारी आप तभी कर पाओगे जब आपको मालूम होगा कि बैंक में PO और क्लर्क के अलावा भी किस स्पेशलाइज फील्ड में नौकरी निकलती है। यही नहीं, बैंक में नौकरी पाने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, इन सभी उलझनों को सुलझाने के लिए यहाँ है बैंकों में नौकरियों से जुड़ी जानकारियों के भंडार जो मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं PO क्लर्क या स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। अगर आप बैंक में ऑफिसर क्लर्क बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना होगा। अगर स्पेशलिस्ट का प्रोफाइल देख रहे हैं तो आपके पास अनुभव, क्वालिफिकेशन और सबसे ज़रूरी फील्ड विशेष में विशेषज्ञता आपके पास होनी चाहिए। ये सब चीज़ें होंगी तभी आगे की चीज़ आप देख पाओगे। चलिए अब मैं बता देता हूँ आगे के लिए क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि आपको जॉब कहाँ करनी है। प्राइवेट बैंक में आपको अपना करियर आगे बढ़ाना है, सरकारी बैंक के साथ आपको करियर आगे बढ़ाना है। इसके बाद यह तय करें कि आप सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं या प्राइवेट बैंक में। इन दोनों सेक्टर्स में रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहते हो तो आपको IBPS एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। IBPS एग्ज़ाम उन उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है जो पब्लिक सेक्टर के 20 बैंकों में अप्लाई करना चाहते हैं। हालांकि SBI और IDBI पब्लिक सेक्टर के दो ऐसे बैंक हैं जो IBPS के जरिए रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं। SBI और IDBI पब्लिक सेक्टर के दो ऐसे बैंक हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए खुद ही एग्ज़ाम आयोजित करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं IBPS एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन उसका कम्प्लीट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन उसका किसी भी डिसिप्लिन में चल सकता है। सेकंड थिंग, उसके को कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है, फिर चाहे वो कॉलेज लेवल पे उसने कंप्यूटर का सब्जेक्ट लिया हो या उसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा हो वो चल जाएगा। तीसरा फ्रेंड, वह किसी भी जिस राज्य में परीक्षा देने जा रहा है या जिस राज्य उसने अप्लाई किया है उस राज्य की उसे जो आधिकारिक भाषा है उसका ज्ञान होना उसे अति आवश्यक है, तभी उसका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यह योग्यताएँ होनी ज़रूरी हैं IBPS के एग्ज़ाम में बैठने के लिए। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि IBPS के एग्ज़ाम में बैठने के लिए एज लिमिट क्या तय की गई है। तो मैक्सिमम जो एज लिमिट इसमें तय की गई है वो है 28 ईयर्स और न्यूनतम जो आयु सीमा इसमें एज लिमिट तय की गई है वो है 20 वर्ष। यानी आप 20 वर्ष से पहले इसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते और 28 ईयर्स से एज अगर आपकी ज़्यादा हो गई तो आप इसका एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं परीक्षा योजना और इसकी अवधि कितनी देर की होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें दो परीक्षाएं आपकी होंगी, पहली प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा आपकी 100 अंकों की होगी और 1 घंटे की होगी। इसमें अभ्यर्थियों के अंग्रेजी भाषा, सांख्यात्मक योग्यता और तर्क संबंधी ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। जबकि मुख्य परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी जो 200 अंकों की होगी। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों के तर्क संबंधी ज्ञान, अंग्रेजी भाषा, मात्रात्मक योग्यता, सामान्य जागरूकता और कंप्यूटर के ज्ञान की परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों के पास हिंदी या अंग्रेजी भाषा में परीक्षा देने का विकल्प होगा। गाइस, अब बात कर लेते हैं प्राइवेट बैंक की। अगर आप प्राइवेट बैंक में नौकरी करना चाहते हो तो आपको जॉब पोर्टल्स और अखबार में छपने वाले विज्ञापनों पर नज़र रखनी होगी क्योंकि प्राइवेट बैंक समय समय पर रिक्रूटमेंट के लिए विज्ञापन देते रहते हैं। इसके अलावा आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हो। ICICI बैंक ने हायरिंग करने के लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसका नाम है www.icicareers.com। इस नाम से यह पोर्टल बनाया हुआ है जहां आप अपनी क्वालिफिकेशंस के मुताबिक जॉब सर्च करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। सबसे आसान तरीका यह है कि आप PO प्रोग्राम में एडमिशन ले लें जिसे प्राइवेट बैंक और सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी मिलकर चलाते हैं। प्रोग्राम की अवधि ख़त्म होने के बाद उम्मीदवारों का चयन अलग अलग बैंकों में कर दिया जाता है। वैसे गाइस, प्राइवेट बैंकों में जॉब के लिए कुछ खास क्वालिफिकेशन मांगी नहीं जाती। अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं और उसके बाद बस आपको जाना है बैंक्स में और अपना रिज्यूम सबमिट कर दीजिए, कभी ना कभी चाहे वो सेल्स में ही आपको लें पर आपको अपॉइंट ज़रूर कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक की। भारत में कई कोऑपरेटिव बैंक लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए PO और क्लर्क की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। IBPS और SBI एग्ज़ाम की तुलना में यह एग्ज़ाम जो होता है वो कम कॉम्पिटिटिव वाला होता है, तो ऐसे में आप इन बैंकों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।